योगी ने ताज का दीदार कर विवादों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के नेता हैं कि मंदिर और मस्जिद के मुद्दे को बनाए रखना चाहते हैं। संगीत सोम के बाद एक और विधायक ने ताजमहल पर विवादित बयान दिया। इतना ही नहीं, मस्जिदों को तोड़कर उसमें मूर्ति रखने की बेतुकी बात कह दी। आखिर कब तक बीजेपी नेता मंदिर मस्जिद की सियासत करते रहेंगे? बीजेपी नेता का बेतुका बयान, मस्जिद में मूर्ति लगाएंगे बीजेपी के ब्रजेश, नहीं थम रही मंदिर मीनार और मस्जिद की सियासत। ताजमहल विवाद अभी थमा भी नहीं था कि बीजेपी विधायक ने नया राग छेड़ दिया है। बाबरी राम जन्मभूमि विवाद का लोग समाधान खोजने में लगे हैं। ऐसे में बीजेपी विधायक ने कह दिया है कि मस्जिदों को तोड़कर उनमें मूर्तियां स्थापित हों। जो पुराने मंदिर तोड़ करके मुगल शासकों ने जबरदस्ती वहां पर मस्जिद बनवा दिए हैं, उन मस्जिदों को तोड़ करके पुनः वहां पर मंदिर बनाए जाने चाहिए। हमारे आराध्य देवी देवताओं की मूर्तियां वहां पर स्थापित होनी चाहिए और हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के लिए पूजा अर्चना के लिए उनको खोला जाना चाहिए। बांदा की तिंदवारी विधानसभा से विधायक ब्रजेश प्रजापति ने यह बयान दिया। मस्जिद ही नहीं, ब्रजेश प्रजापति ने ताजमहल को भी शिव मंदिर बता दिया और कहा कि उसे पूजा पाठ के लिए खोल देना चाहिए। ताज को बनाने वाले लोग मुगल शासक थे, उन्होंने हमारे हिंदुस्तान पर आक्रमण करके वो लोग आए थे, वो आक्रमणकारी थे, तो हमारी जमीन जायदादों पर उन्होंने कब्जा किया। ठीक इसी तरीके से हमारे पुराने मंदिरों को तोड़ करके उनके स्थानों पर मस्जिद बनाए गए, इसी तरीके से ताजमहल भी बनाया गया। ताजमहल हमारे भगवान शिव का स्थान है, वहां पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए और उसको हिंदू धर्म के मानने वाले अनुयायियों के लिए उसको खोला जाना चाहिए पूजा अर्चना के। आपको बता दें कि इससे पहले कुछ हिंदुवादी युवकों ने ताज परिसर में शिव चालीसा पढ़ी थी, जिस पर काफी विवाद हुआ था। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने इसका समर्थन किया था। सारे वहां देवी देवताओं के चिन्ह हैं, तो वो इमारत जो है बहुत भव्य इमारत है, भव्य मंदिर हमारा था जिसको कब्रस्थान कर दिया है। अब केवल इतना ही हो सकता है, उसका नाम बदलना चाहिए, ताजमहल की जगह तेज महल कर दें या तेजो महल कर दें। शिव चालीसा पढ़ने में क्या दिक्कत है, कोई हनुमान चालीसा पढ़े, कोई शिव की चालीसा पढ़े, इसमें कहां मनाही है किसको। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी नेता क्यों बार बार बेतुके बयान दे रहे हैं, क्यों मंदिर मस्जिद के मुद्दे को बार बार हवा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।